कक्षा 9वीं वालों आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुका है। जी हाँ, बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो। हर एक सेट का है ना, हर एक सेट का, चाहे आपका ए सेट हो, बी सेट हो, सी सेट हो, डी सेट हो, ई हो या पो, कोई भी सेट हो, सारे सेट के आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं आपके लिए उत्तर सहित लेके आ चुका हूँ। जी हाँ, 100% गारंटी है, पूरा पेपर आपका यही आएगा। पूरा पेपर में 100% गारंटी लेता हूँ, 100% इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ, 100% गारंटी ले रहा हूँ कि पूरा क्वेश्चन आपका यहीं से आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, चाहे आपका कोई भी सेट आ रहा हो, आपके लिए वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। सारे सेट हम लेके आ चुके हैं आपके लिए, सारे सेट। जी हाँ, ए बी सी डी ई एफ सब सेट आ चुके हैं, तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग देखिएगा ना, और टाइम बहुत कम है, इसको आप जल्दी से आप तैयार कर लीजिए। आप पहला क्वेश्चन दे सकते हैं, गुप्त उष्मा किसे कहते हैं, गुप्त उष्मा किसे कहते हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि इसका फीडबैक आपको कहाँ से मिलेगा, आपको परेशान नहीं होना। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन रहा है वो आपका, ये दूसरा हो गया है आपका। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया ना, दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जिसमें टीला घुसी करना है। फिर पचमा आपका शुष्क बर्फ किसे कहते हैं ना और क्यों, ये वाला आपका है जिनमें टिक लगा आपको ही करना है। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है, आगे बढ़ जाते हैं, जो टिक है ना ये वाला आपका। ठीक है, जिसमें टिक लगा आपको ही करना है। इसके बाद आपका अगला आता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर आपको याद कर लेना है, कि तत्व और यौगिक में अंतर आपको याद कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको मिश्रण और यौगिक मेगा आपको कर लेना। ठीक है ना, कोई भी सेट हो आपका, 100% ये क्वेश्चन आने वाले हैं आपका। ठीक है, फिर मिश्र धातु किसे कहते हैं, नाम उदाहरण ना भौतिक रासायनिक परिवर्तन की। फिर इसके बाद द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको इसे कर लेना। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैं आपको टिक कर दिया हूँ जो आपके पेपर में आने वाले हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के प्रमुख बिंदु है ना, ये आपका है, इसको जरूर याद कर जाना, ये सारे सेट में आया हुआ। ठीक है ना, ये अगले वीडियो में आपको चिट्ठी बताऊंगा। ठीक है, रदरफोर्ड परमाणु कमियां, समझौता किसे कहते हैं, समस्थानिक, एक गारंटेड क्वेश्चन है आपका, समस्थानिक और संभारिक। ठीक है ना, ये भी आया हुआ आपका, समस्थानिक और संभारिक आपका पूरा आया हुआ है। ठीक है, फिर आता है आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। संयोजकता किसे कहते हैं, मनीष में एल्युमिनियम संयोजकता लिखिए। समस्थानिक और संभारिक में अंतर, माइटोकांड्रिया को सभी जगह क्यों कहते हैं, इसको जरूर तैयार करके जाना आप लोग। समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। ठीक है, अंतरा पदभी जालिका के तीन कार्य लिखना आपको। रेखित अरेखित तथा हृदय पेशी में अंतर, दुरार का चित्र आपको बनाना है, वो तक किसे कहते उदाहरण, जगत मनोरा या प्रतिष्ठा, ठीक है, एलिडा एवं आर्थोपोडा के द्रव्यात्मक अंतर, बर्मतस एवं जल स्थलचर के दो लक्षण लिखिए। फिर आपका औसत चाल किसे कहते हैं, त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र मात्रक,
चाल वेग में अंतर, दूरी विस्थापन में अंतर, न्यूटन गति का द्वितीय नियम, इसे कर लेना आपको, गुरुत्वाकर्षण वृत्ति के नियम, ये वाला आपको कर लेना, ठीक है। उत्पादन से आप क्या समझते हैं, आगमनीज का सिद्धांत, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, कोई भी सेट है ना, सारे सेट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संपीड़न पिलन में क्या है, चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए ध्वनि का प्रयोग करते हैं ना, सुनार बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, सुनार। संक्रामक असर का रोग भी अंतर, रोग फैलने के 3 कारण लिखिए, ठीक है। कंपोस्ट गैस के 2 उपयोग, पता है ना। अगले वीडियो में आपको पॉजिटिव बता दूंगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।